विजय राघवगढ़, मध्य प्रदेश का एक ऐसा नाम जिसके बिना 1857 की क्रांति अधूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल इंडिया आरएलटीए के साथ विजय राघवगढ़ के अभय दुर्ग में, जो अपनी बेजोड़ संरचना के लिए मध्य प्रदेश की शान कहा जाता है। शुरुआत किले के बाहर की इन दीवारों से ही करते हैं। इन दीवारों को देखकर के कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये अंदर से कितने भूभाग में फैला हुआ है। इन दीवारों के पास जो गहरी खाई सी दिखाई दे रही है, वो कभी नदी हुआ करती थी और इस नदी में पलते थे बहुत सारे खूंखार जलीय जीव, ताकि कोई भी आक्रमणकारी आसानी से इस नदी को पार करके किले के भीतर ना आ सके। ये है किले का प्रवेश द्वार, जो सामने से देखने पर दिखाई ही नहीं देता। सामने से ठीक बाईं ओर मजबूत लकड़ी से बना काफी बड़ा दरवाजा है। लोगों को प्रवेश करने के लिए इसका केवल एक हिस्सा ही खोला जाता है। पहले समय जब कभी सेनाएं बाहर आती थी या फिर हाथी या घोड़ों को निकलने की आवश्यकता होती थी, तब इस द्वार को खोला जाता था। बाहर से जो भवन बिल्कुल साधारण दिखाई दे रहा था, अंदर वो इतना विशाल है, लगभग 6 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये इतना भव्य, सुंदर और बेजोड़ संरचना का दुर्ग बनवाया किसने। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1826 ईस्वी से। इस संपूर्ण क्षेत्र पर पहले मैहर के राजाओं का शासन था। तो जब मैहर राजा की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में जागीर बांटी गई, तो पुत्र प्रयागदास को विजय राघवगढ़ की जागीर मिली। दरअसल ये नाम भी प्रयागदास जी द्वारा ही दिया गया था, क्योंकि वे भगवान राम के अनन्य भक्त थे। कहते हैं कि उन्हें भगवान श्री राम की सिद्धियां भी प्राप्त थी। विजय के प्रतीक राघव जी पर उनका अटूट विश्वास होने के कारण उन्होंने अपनी नई रियासत का नाम ही विजय राघवगढ़ रख दिया। इस तरह से यह रियासत विजय राघवगढ़ के नाम से संपूर्ण देश में जाने जाने लगी। तभी से शुरू हुआ काम इस किले के निर्माण का। इसकी संरचना बेहद ही खास है, क्योंकि तीन ओर से यह किला नदियों से घिरा हुआ है और चौथी ओर ऊंची पहाड़ी से, ताकि कोई भी आक्रमणकारी आसानी से इस किले के भीतर ना पहुंच सके। अभी 6 एकड़ में ही निर्माण कार्य पूरा हुआ था, 2 एकड़ बाकी था कि अचानक आए काल चक्र की मार ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया और 1845 में महाराजा प्रयागदास की मृत्यु हो गई और सब कुछ वैसा का वैसा ही अधूरा रह गया। राजा प्रयागदास की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र सरजू प्रसाद को उत्तराधिकारी बनाया गया, जो उस वक्त मात्र 5 वर्ष के थे, और यही थे 1857 की प्रथम क्रांति के महानायक शूरवीर योद्धा, जिनकी वीर गाथा का ये स्मारक, ये भवन देखने लोग दूर दूर से हर रोज आते हैं। ये पत्थर भले ही हमें बेजान से दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी कहानियाँ जैसे गीत सुनाती हैं, जैसे संगीत सुनाती हैं, जैसे कुछ कहती हैं, जैसे बताती हैं अपने बीते हुए अतीत की कहानियाँ, उन खुशहाल दिनों की याद दिलाती हैं जो कभी इसकी दीवारों ने देखे हैं, उन जख्मों को बयां करती हैं जो इन दीवारों ने सहे हैं, जहाँ राजा अपने परिवार के साथ बातें किया करते थे, लोगों से संपर्क किया करते थे, अपनी खास बातों की बैठकें किया करते थे। ये वही आंगन है जिसमें कभी
उत्सव हुआ करते थे, जिसमें कभी किलकारियां गूंजा करती थी, कभी शोरगुल सुनाई देते थे। इस खंडहर में भी कभी जान हुआ करती थी। यहाँ भी कभी ढोल नगाड़ों की ताने थी और यहाँ भी कभी थिरकते थे लोग। लेकिन आज यहाँ चारों ओर पसरा है तो केवल सन्नाटा। ये जानदार दीवारें अब बेजान सी हो चली हैं, मगर पर्यटकों के आने से जैसे ये भवन फिर से खिलखिला सा उठता है। भले ही आज अपनी जर्जर अवस्था में है, लेकिन जब लोग यहाँ आते हैं तो जैसे फिर से ये जीवंत सा हो उठता है। सुरक्षात्मक बनावट एवं बेहतरीन नक्काशी के लिए ये किला दूर दूर तक प्रसिद्ध है। ये बात और है कि आज देखरेख के अभाव में इस किले की छवि बदलती जा रही है। कहीं दीवारों में बड़े बड़े वृक्षों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं, तो कहीं दीवारें ही ढहने को आ गईं। अब इस पेड़ को ही देख लीजिए, किस तरह इस पेड़ ने जमीन से लेकर दीवारों को पार करते हुए ऊपर तक अपनी पकड़ बना रखी है। यहाँ आने वाले लोग इस पेड़ की पूजा अर्चना भी करते हैं। पीपल का ये विशाल वृक्ष इस विशाल किले के सानिध्य में आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता होगा। इसी आंगन में स्थित है संत बरन बाबा की समाधि। लोग वहां आकर भी पूजा अर्चना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कोई भी शुभ काम होने पर यहां के लोग इस किले में आकर के उनका आशीर्वाद जरूर लेते हैं। इन वीरान होती खंडर से सुंदर अटारियों में कभी 1857 के वीर योद्धा का बचपन बीता है। वही वीर योद्धा सरजू प्रसाद जो महज 17 वर्ष के युवा थे, जब उन्होंने अपनी रियासत की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अंग्रेजों से अपनी रियासत को पूर्णतः सुरक्षित रखा था। अंग्रेजों के सूबेदार सुबित अली को मारकर डाक घोड़ों पर कब्जा भी कर लिया था और अंग्रेजों को पराजित भी किया था। अंग्रेजों पर गोली चलाने वाले पहले महाराज यही थे। ये वही वक्त था जो भारत के इतिहास में सदैव अमर रहेगा, 1857 यानी कि भारत की पहली क्रांति का साल। समूचे भारत में स्वतंत्रता की चिंगारी धधक उठी थी। एक ओर की झांसी की रानी तात्या टोपे और उनके सभी वफादार, तो दूसरी ओर इस रियासत में थे महज 17 साल के राजा सरजू प्रसाद। लेकिन उनकी वीरता में कोई कमी नहीं थी। उनके पास गुणी एवं प्रशिक्षित सेना होने के साथ साथ ये अभेद दुर्ग भी था, जिसमें प्रवेश कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजों की कुछ वफादार रियासतों ने भी उनका साथ दिया और विजय राघवगढ़ पर आक्रमण किया। लेकिन सरजू प्रसाद जी के सेनापति बहादुर खान के युद्ध कौशल के सामने किसी की नहीं चली और वे पराजित होकर के लौट गए। लेकिन इस युद्ध में बहादुर खान की मृत्यु हो जाती है, वे शहीद हो जाते हैं। कुछ समय बाद कुछ धोखेबाजों की वजह से अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर लिया। उस समय तो सरजू प्रसाद वहां से निकल गए, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें पकड़ लिया गया। काले पानी की सजा सुनाई गई और सजा के लिए उन्हें रंगून ले जाया जाने लगा। इसी बीच वाराणसी में उन्होंने स्वयं को समाप्त करते हुए जल समाधि ले ली और इस तरह इस आंगन की शान, इसका लाडला गंगा मैया की गोद में समा गया, विलीन हो गया। और इसीलिए इस भवन को महाराजा सरजू प्रसाद का स्मारक कहा जाता है। इस किले के प्रांगण ने लोगों के अलावा बड़े बड़े हाथियों और सुंदर वफादार घोड़ों के अलावा
अन्य जानवरों को आश्रय के साथ साथ भरपूर प्रेम भी दिया है। इसी प्रांगण ने आक्रमण और युद्ध का दंश भी झेला है। अब हम बात करें इस भवन की बेमिसाल नक्काशी की, तो आप इस रंग महल में देख सकते हैं इतना बेहतरीन नक्काशी है कि निर्माण के समय में प्रयोग किए गए रंग आज भी इसकी दीवारों पर वैसे के वैसे देखने को मिलते हैं। इसी भवन में मध्य में स्थित थे भगवान राघव जी की प्रतिमा। अन्य भवनों की अपेक्षा ये थोड़ा ऊंचाई पर है, जहां बहुत ही तंग किस्म की सीढ़ियां भी हैं, आसानी से ऊपर तक जाना संभव नहीं है। दोनों ओर से सीढ़ियां हैं और ये नक्काशी आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी है, उसके बाद भी यहां पर कुछ रंग अभी भी देखे जा सकते हैं। इसी भवन के मध्य में यहां पर विराजते थे भगवान राघव। राघव जी की प्रतिमा यहां मध्य में स्थित थी और यहीं पर उनकी पूजा की जाती थी। यहीं से महाराज अब दूर दूर तक लोगों पर नज़र रख पाते थे, यहीं से वो निरीक्षण कर पाते थे। अब आप ऊपर की तरफ देखिए, 150 से भी अधिक साल हो गए इस भवन के निर्माण को, लेकिन इसकी नक्काशियाँ, इसके रंग और जो डिज़ाइंस बनाई गई थी वो आज भी वैसी की वैसी हैं। यही तो है बेहतरीन और बेमिसाल नक्काशी का नमूना। आज इस भवन में चमगादड़ों का डेरा है, तो कभी यह भवन गीत संगीत और भजनों से गूंजा करता होगा। कितने महान थे उस दौर के ये कलाकार, वो कारीगर जो इन पत्थरों में भी जान डाल देते थे। इस भवन के निर्माण के समय इसकी सुंदरता को देखकर कितना प्रसन्न होते होंगे महाराजा प्रयागदास जी, मगर उन्हें क्या पता था कि उनका ये बेमिसाल आशियाना एक दिन वीरानी अवस्था में भी खड़ा होगा। ये इस रंग महल का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जहां से आप पूरे किले को देख सकते हैं। यहां का हर एक कोना आपको यहां से दिखाई देगा। बीच में काफ़ी सारे वृक्ष हैं, जिनके कारण बाहर का नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप इसके चारों तरफ घूम के चारों तरफ से इस पूरे किले को देख सकते हैं। ये किले के पीछे वाला हिस्सा है जो कि महल का स्नानागार है। यहाँ पर एक बावड़ी भी है और वहीं पर रानियाँ स्नान करने के लिए जाती थी। कहते हैं कि राजा सरयू प्रसाद जब यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने अपनी संपत्ति को कहीं छिपा दिया ताकि वो अंग्रेजों के हाथ ना आए। वो तो लौटकर इस किले में नहीं आ सके, लेकिन वो संपत्ति कहाँ है आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता, कभी किसी को नहीं मिली। और आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर इतनी संपत्ति कहाँ गई। तो ये थी विजय राघवगढ़ किले की जानकारी, जो ना केवल किला है बल्कि 1857 की क्रांति का साक्षी भी है और साथ ही साथ परम शूरवीर योद्धा का स्मारक भी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिए और हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि हम इसी तरह के नए नए टॉपिक्स पे नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए टॉपिक में नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।